कहूंगा कि वे अपनी बात रखें। शुक्रिया। ये छात्रों का आंदोलन है, मैं छात्र नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस साल मुझे अलीगढ़ में अलीगढ़ वुमेन्स कॉलेज का पहला जो यूनियन है उसका लाइफ टाइम मेम्बर बनाया, तो और उस वक्त का प्रेसिडेंट आफरीन फातिमा यहाँ है, मैं उनको सलाम देना चाहती हूँ। कहाँ है आफरीन? क्योंकि इस पैनल में लड़कियाँ ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन लड़कियाँ इस आंदोलन के सामने रहा है, तो आई जस्ट क्योंकि टाइम नहीं है, आफरीन आप एक दो शब्द बोल दीजिए। थैंक यू सो मच मैम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आई डोंट हैव मच टू से, वी ऑल नो व्हाट CAA एंड NRC इज़। मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि 70 साल से मुस्लिम कम्युनिटी इनसिक्योर रही है, एंक्शियस रही है अपनी आइडेंटिटी को लेकर। हम अपनी आइडेंटिटी असर्ट नहीं करते थे, और आज जब ये कानून आया तब मुस्लिम्स ने रियलाइज़ करा इट्स हाई टाइम दैट वी स्टार्ट असर्टिंग आर आइडेंटिटीज़, दैट वी कम आउट ऑन द स्ट्रीट्स एंड सेलिब्रेट आर सेल्व्स एज मुस्लिम्स। तो मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि प्लीज़ डोंट आस्क अस टू स्टॉप, प्लीज़ डोंट आस्क अस टू लीव आर आइडेंटिटीज बैक इन आर होम्स एंड जस्ट सेव द आइडिया ऑफ इंडिया। इफ़ योर आइडिया ऑफ इंडिया डज नॉट अलाउ मी टू सेलिब्रेट माई आइडेंटिटी एंड कम आउट ऑन द स्ट्रीट एज अ मुस्लिम, देन आई रिजेक्ट दिस आइडिया ऑफ इंडिया। थैंक यू सो मच। बोलने से पहले मैं हमको हमें वी शुड रिमेंबर कि आज यूपी में ऐसा हमला हो रहा है लोगों के ऊपर, हम लोग सब साथ में लड़ रहे हैं लेकिन हमला मुसलमानों के ऊपर हो रहा है। पुलिस घर घर में घुस के तोड़ फोड़ कर रहे हैं, लूट रहे हैं, और मुझे बहुत ही एप्रिहेंशन है कि वहाँ पे जैसे 2002 में मोदी गुजरात में किया, योगी तैयारी कर रहे हैं। तो जब जब पूरा जामिया पर पूरा जब लाइब्रेरी में हमला हुआ, मैं एक्चुअली केरला में थी, मेरी माँ बहुत बीमार थी और मैं केरला में थी, और रात भर मैं देख रही थी कि पहले जब लोग ये पुलिस हेडक्वार्टर्स के बाहर पहुँचे तब JNU के बच्चे पहुँचे, और मुझे पता था कि JNU का 2016 का गुस्सा अभी भी है, और वो पहुँच गए। फिर भी मुझे बहुत डर था कि क्या होने वाला है, क्योंकि हम लोग सब विलन हैं, हम लोग सब टुकड़े टुकड़े हैं, या अबर नक्सल है, या जो कुछ भी है। दलित दलित जब लड़ते हैं तो वो माओइस्ट बन जाते हैं, आदिवासी लड़ते हैं तो माओइस्ट बन जाते हैं, स्टूडेंट्स लड़ते हैं तो अर्बन नक्सल बनते हैं, मुसलमान लड़ते हैं तो टेररिस्ट बन जाते हैं। तो तभी मैं रात को पूरी रात में वो देख रही थी कि क्या हो रहा है बाहर ITO में, और जब मैंने बाबा साहब का पोस्टर देखा, जब मैंने जय भीम का नारा सुना, तब मैं सो गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि आज के ज़माने में हमको एक दूसरे को बचाना पड़ेगा। और आप घर में जो घुस के जा रहे हैं मुसलमानों के इलाके में, वी मस्ट पेट्रोल दोज एरियाज, हमें जाके हमारा बॉडीज़ को उधर रखना पड़ेगा। वी हैव टू प्रोटेक्ट ईच अदर, और जब हम एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते तब हम जो छोटे हैं बड़े बन जाते हैं। दो दिन पहले इस देश का प्राइम मिनिस्टर ने पास में रामलीला ग्राउंड में लाखों लोगों के सामने खड़े होके बहुत बड़े झूठ बोले, बच्चों वाले झूठ। मतलब उन्होंने बोला कि हमारा सरकार ने कभी NRC के बारे में कुछ नहीं बोला। उनको पता था कि एक मिनट में इंटरनेट में उन्हीं का अपना वीडियो निकलेगा, जब वो NRC का जिक्र कर रहे थे वेस्ट बंगाल में। उन्होंने कहा कि हमारे देश में डिटेंशन सेंटर नहीं है, उनको पता था कि उसका फ़ोटो है, उसका बजट है, NRC का बजट, NPR का बजट, सब कुछ निकला हुआ है, लेकिन उन्होंने झूठ क्यों बोला, ऐसा झूठ क्यों बोला, जबकि उनको पता था
कि एकदम पकड़ा जाएगा, इसीलिए बोला क्योंकि गोदी मीडिया उनके पास है और हम लोग सब हंसेंगे, लेकिन ये मीडिया वाले ने एक घंटे का स्पीच ब्रॉडकास्ट किया, कभी नहीं बोला कि ये झूठ बोले, और ये स्पीच वहाँ पहुँचाया जहाँ इंटरनेट नहीं है, जहाँ लोगों को पता नहीं है कि क्या हो रहा है। तो ये एक सरकार है जिसको सबसे मजबूत किया है मीडिया ने। आप में से बहुत लोग होंगे उनके साथ, बहुत लोग होंगे हमारे साथ, लेकिन आपको शर्म आना चाहिए मीडिया को। और जैसे अभी मेन स्ट्रीम मीडिया में हम लोग सब सुन के हंस रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का पॉलिटिशियंस कह रहे हैं कि आप जहर मत फैलाइए, हम मुसलमान के खिलाफ नहीं हैं, हमें कह रहे हैं। और सोशल मीडिया में बिल्कुल जहर फैला रहे हैं अभी भी। अब बोलने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है यहाँ पे, तो मैं सिर्फ ये NRC, CAA और NPR के बारे में बोलना चाहती हूँ। मैं असम गई थी, वहाँ पे गांव-गांव में, ये छोटे छोटे गांव में गई थी, वहाँ पे NRC का जिक्र तो 1971 से है, समझ गए ना। तो वहाँ पे लोग अपना डॉक्यूमेंट्स बच्चों से ज़्यादा प्यार करते, गाय से ज़्यादा, खेत से ज़्यादा। वहाँ जाओ, गांव में जाओ तो कुछ भी नहीं है, मतलब इतना भूख है, इतना कम पैसे हैं, लेकिन सबके पास ये प्लास्टिक बैग में अपना डॉक्यूमेंट्स रखा है। ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आते हैं, लेकिन उनको ये पता है कि बच्चों को मत बचाओ, लेकिन डॉक्यूमेंट्स कैसे बचाओ, है ना। और इतना प्रेपरेशन के बाद भी 20 लाख लोग, 19 लाख पीपल आर आउट ऑफ द NRC, ओके। उसमें से बहुत सारे मुसलमान नहीं हैं, क्योंकि मुसलमान डर के मारे अपना डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किया है, बाकियों ने सोचा कि कुछ नहीं होगा, लेकिन उनके पास कुछ नहीं है। अब CAA आए हैं, तो जो एक्चुअल नागरिक है वो क्या अपने आप को घुसपैठी साबित करके फिर मतलब नागरिक बन सकता है? नहीं बन सकता है। और उनके पास खाने का पैसा नहीं है, लेकिन वकील को हायर करना पड़ेगा, फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में जाना पड़ेगा। तो ये जो कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ है, हाँ उनके खिलाफ ये बिगेटरी है, लेकिन ये गरीबों के खिलाफ है, आदिवासी के खिलाफ है, दलित के खिलाफ है, और हम सबको एक उलझन में डालने का एक प्लान है। सॉरी। तो जैसे अरुण कुमार जी बोल रहे थे, अब एक डिटेंशन सेंटर बन रहा है असम में, एक डिटेंशन सेंटर 3000 लोगों के लिए, उसका बजट 45 करोड़। अब वहाँ 20 लाख लोगों को डिटेंशन सेंटर बनाना है तो कितना करोड़ लगेगा? तो पूरा इंडिया में यही काम करेंगे तो कितना करोड़ लगेगा? ये पूरा प्राइवेटाइज करके कौन सा कॉरपोरेशन के हाथ में जाएगा, ये सब सोचने की बात है। लेकिन क्योंकि हमें अभी पता है कि हमारा पूरा इकोनॉमी को ख़त्म कर दिया, डीमोनेटाइजेशन को लेके ख़त्म कर दिया हमें, इसका अर्जेंसी हम वो बता भी नहीं रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी झूठ बोलते हैं, वहाँ भी स्टेटिस्टिक्स गलत है। लेकिन बहुत ही, जैसे उनका खुद का इकोनॉमिक एडवाइज़र ने कहा कि इंडियाज इकोनॉमी इज़ इन एन ICU, अभी वो कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने में लगे हैं। लेकिन इस टाइम में NPR क्या है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। NPR पहले भी हो चुका है, लेकिन NPR ये है कि वो आपका घर आएंगे, कुछ नहीं पूछेंगे, आपका नाम क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, कोई डॉक्यूमेंट दे दो हमें, आधार कार्ड दे दो, ड्राइविंग लाइसेंस दे दो, कुछ भी दे दो, कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। लेकिन NPR NRC का डेटाबेस बनेगा, हाँ आने लगे हैं। तो हम लोग, वैसे हमको लड़ना चाहिए,
रोज लड़ना चाहिए, लेकिन इनके खिलाफ हम चार साल रोज हम नहीं लड़ सकते ना, तो क्या करेंगे हम? एक तो इनको चार साल देना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे पास एक प्लान भी होना चाहिए। जब आपके घर में आएंगे एनपीआर लेके, जब आपको अपना नाम पूछेंगे, आपको दूसरा नाम दे दो, हम लोग पांच नाम तय करते, रंगा बिल्ला रख दो, या कुंफू कुत्ता रख दो, 7 Racecourse Road एड्रेस दे दो, और एक फोन नंबर तय कर लेते हैं हम। लेकिन बहुत सारा सबवर्जन को करना पड़ेगा हमें, सिर्फ लाठी खाने और गोली खाने के लिए नहीं पैदा हुए हैं हम, और भी सोच के करना पड़ेगा। लेकिन वी रियली हैव टू हैव अ प्लान, यू नो, बिकॉज जैसे CAA इन्होंने पार्लियामेंट में पास किया, ये NPR और NRC को पास करने का ज़रूरत नहीं है, उनका इजाज़त है, वो शुरू हो गया वो काम। अब 10 स्टेट में चीफ मिनिस्टर्स ने बोला है कि हम नहीं करेंगे इसको, हम एक्चुअली वी हैव टू गेट अ प्रॉपर कमिटमेंट फ्रॉम ऑल दी स्टेट्स, वी हैव टू मेक श्योर, क्योंकि अब ये CAA के खिलाफ इतना प्रोटेस्ट हो गए NRC के खिलाफ, तो अभी वो दूसरा दरवाजे से घुसना कोशिश करें NPR लेके। सो द थिंग इज दैट वी आर इन अ सिचुएशन, ये देश बचेगा नहीं, इकोनॉमिकली नहीं बचेगा, सोशली नहीं बचेगा, लीगली नहीं बचेगा, क्योंकि ये कौन सा देश है, यहाँ पे 700 से ज़्यादा भाषा बोला जाता है, सब किस्म के लोग, यूरोप से भी ज़्यादा व्यापक देश है, वी हैव मोर लैंग्वेजेस, नेशनैलिटीज, कम्युनिटीज, रिलीजन्स देन द होल ऑफ यूरोप। व्हेन आई रोट अबाउट दिस लास्ट मंथ, आई सेड दैट द डिफरेंस बिटवीन द RSS एंड द नाज़ीज, द नाज़ीज इन जर्मनी belonged to Germany and they wanted to impose their ideology on a continent, on a world. But we are a continent and they want to reduce us into a single place. You know? This, ye jo inka hai na, one tax, one language, one religion, Hindi, Hindu, Hindustan jo kehte rehte hain, wo bhi Farsi shabd hai. मतलब इतना भी नहीं है उनके पास, लेकिन तो हमें सड़क पे भी लड़ना है, सारे स्टूडेंट्स यूनियंस ABVP को छोड़ के, या उनको आना है तो उनको भी बुला लेंगे, लेकिन सबको एक साथ हमें एक प्रोग्राम बनाना, कल बनाया था कुछ लोगों ने, बहुत अच्छा, लेकिन सोच समझ के कि ये जो लड़ाई है किसी के, मतलब हम लोग सब साथ में हैं, लेकिन हमला सिर्फ एक कौम के ऊपर हो रहा है और बहुत ज़्यादा हो रहा है। UP में ऑलरेडी 22 लोग मर गए, 24, और जैसे AMU में इन्होंने और जामिया में जो स्टन ग्रेनेड छोड़ा है, वो सिर्फ एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में यूज़ होता है, हाउ कैन यू यूज़ इट ऑन स्टूडेंट्स? How can you even think about this? You know, I've always said that these people, they are not against intellectuals. They are against every form of intelligence. You know, they're against every form of intelligence. Even in the economy, there are many people in this country who could deal with it, but they are hostile to every form of intelligence. So, इससे मैं अपना बात बंद करती हूँ, शायद सारा फॉर्म में आप भर लेना, रंगा बिल्ला या कुंफू कुत्ता, इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम।